ओके सो स्टूडेंट्स आमे तो पढ़ी देले कि स्वाधीनता परवर्ती मुहूर्त रे केमिति नारी आंदोलन रो कोन कोन सब थिला माने कोन तांकर को विरोध रे से माने आंदोलन करथिले एबे आमे जानिबा भारत रे नारी आंदोलन रो कोन कोन कारण रहिछि एंड एटा मु तुमको रमाकांत राउत बुक रु पढौछि बिकज एथे भल भल पॉइंट सब देछि इनकेस जो पॉइंट्स गुडा तमरो मिसिंग हे जाइछि मु डाकिनि से पॉइंट्स गुडा वीडियो थ्रू रे जाइकिना डाउनलोड कर दबो ओके ताको लेखिकी रखिदेव तो देख भारत नारी आंदोलन कौन कौन कारण रही ऑलरेडी मु तुमको कही सारी कि नारी आंदोलन कारण कौन एवं कहीं नारी आंदोलन दरकार कौन पाई नारी आंदोलन आवश्यकता रही तो ये आम क्वेश्चन हूँ कौन आम कौन कौन पॉइंट से गुड़ा जान लें आम क्लीयर हो पार नारी आंदोलन कहीं दरकार पड़ू तार कजेस गुड़ा सब कौन कौन फर्स्ट पॉइंट देखिए देख पुरुषकेंद्रिक समाज विरोध तो ये मनरे क्वेश्चन आसूँ पुरुषकेंद्रिक समाज कौन जोटा को इंग्लीश कह जाए पैट्रियार्किकल सोसाइटी ओके तुम्हें सेटा तुम्हें सोशियोलॉजी भी पढ़ी थी पैट्रियार्किकल सोसाइटी विषय बा तार अर्थ कौन जो समाज में पुरुष मानकर वयसटा सब उपरे थाए जो समाज में पुरुष मानू सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक सबू क्षेत्र में इम्पोर्टेंस दि जाऊ समाजटा को ही आम कौन कह जाए ना पुरुष केंद्रिक समाज बोली कह जाए एंड से समाज में कौन देखा जाए ना नारी मानकर किसी मानने महत्व न थाएर स्वर कथार मानने मान सम्मान कौन प्रकार खातिर देखा जाए ना एंड यही समाज में सब बड़े पुरुष मैंने चाहती नारी मान उच्च रही ऊर्धर रही जहाद्वारा से मैंने नारी मान वयस को कौन करें स्लो करके रखिपर डाउन करके रखिपारे ऐसे भी ठीक देख से जिनसा लिखाई भारत समाजटा हूँ आमर गोटे पुरुषकेंद्रिक समाज जमीक इवेन तुम्हें मैंने निजे भी जाथ आम जब निज फैमिली कथा देखा आम फैमिली डिसीजन नबार राइट्सटा क्या हाथ में थाए बापा हाथ में ना माँ का हाथ में ओब्वियसली 90% फैमिली डिसीजन नबा दायित्व क्या हाथ में थाए ना पुरुष मान हाथ में थाए फैमिली कौन सी डिसीजन जोड़ा कि अति गुरुत्वपूर्ण एंड इम्पोर्टेंट से डिसीजन गुड़ा माँ मान हाथ में दि जाए न थाए सर कहे एठार समाज प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष मानू नारी मान श्रेष्ठत्व प्रदान कराए पुरुष मैंने घर डिसीजन ने समाज डिसीजन ने शासन क्षेत्र में भी अंशग्रहण करेंगे तो सब क्षेत्र में पुरुष मानू एठार गुरुत्वपूर्ण भूमिका दि जाए कहीं बह नारी शाशुघर को जाए एंड बह बेले कन्या पक्ष बर पक्ष को जौतुक दे था जोटा कि मुझे ऑलरेडी कल कही जौतुक प्रथा जो समाज में नारी निर्यातना भी दृष्टिगोचर होता है कारण यही जौतुक ही गोटे कज जो कि नारी मान प्रति अत्याचार बढ़े अधिकरू अधिक जौतुक प्रति आशायी हो लोभी होता पाइबा को आशा कर फैमिली मेम्बर्स बर पक्ष कौन करना कन्या पक्ष को जौतुक निर्यातना दे था मारपिट करती तो से भारतीय समाज को विवाह करी आसला परे नारी को परदा तले रहा पड़े परदा तले माने जमी आम कहू कि ओढ़ा पकईक रहा तो नारी गोटे स्वाधीनता न था घर बाहर को आसी अन्य भाया गोटे खुशी को एंजय करवा कि कौन प्रकार पूजा पद्धति कौन प्रकार शासन में सामिल हवा से मानू शिक्षा लाभ रु वंचित कराए राजनैतिक एवं अर्थनैतिक अधिकार रु भी वंचित कराए ओके तो यही सब कारण गुड़िक जो पितृप्रधान समाज में पुरुष प्रधान समाज में नारी मान भूमिका कौन हो जाए कमी जाए कहीं पुरुष प्रधान समाज सब बड़े भावे नारी मान जन्म होवल घर काम करने पिला छुआ संभाली एंड गोटे गृहिणी भली भावे घर समस्त दायित्व संपन्न करने सो दैट यही स्थान में कौन होता है नारी मान निजर सत्ता बा सम्मान से माने हरे थांती सेकेंड पॉइंट कौच कौन ना लिंगगत वैषम्यर विलोप एवं मौलिक समानता प्रतिष्ठा देख सी आउ गोटे जिनस कहे नारी आंदोलन होबार आउ गोटे कारण हूँ लिंगगत वैषम्यर विलोप लिंगगत वैषम्य कहले कौन बुझ ना जेंडर दृष्टि आम बायोलोजिकाली जो डिफरेन्सटा आम देखु पुरुष एंड महिला सब बेले आम सोसाइटी डिसाइड करे पुरुष मैंने यही कम सब करवा दरकार महिला मैंने यही सब कम करवा दरकार पुरुष मैंने एमती ड्रेस पिंधा दरकार महिला मैंने एमती ड्रेस पिंधा दरकार पुरुष मैंने एमती चलवा दरकार महिला मैंने एमती चलवा दरकार एमती कि व्यवहार पुरुष मानी अलग था महिला मानी अलग थाए जदि पुरुष मैंने गोटे कथा को रागिक जोर कहते देन दैट इज ओके बट नॉट इन द केस ऑफ फीमेल्स तो जदि नारीटे महिलाटे जदि किसी कथ जोर रागिक चिलई कहीदेला देन ताक जगह प्रश्न हाँ ताक अधिकार किए देला
ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ସବୁବେଳେ ଆମେ ଲିଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛେ, ଡିଫରେନ୍ସ କରିଦେଇଛେ, ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିଦେଇଛେ, ଅଲଗା କରିଦେଇଛେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମ ସମାଜରେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ନାରୀମାନେ ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ପାୱାର କି ପୋଜିସନ୍ ଦିଆଯାଇନି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଗୋଟେ କଜ୍ କି କ'ଣ କରୁଛି, ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ଦେଖୁଛି। କାରଣ ଆମ ସୋସାଇଟି ହିଁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଅସମାନତାର ଗୋଟେ ରେଖା ଟାଣି ଦେଇଛି। ଏଠି ବି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ପ୍ରକୃତି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ। ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି, ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ପୁରୁଷ ବିନା ନାରୀ କିମ୍ବା ନାରୀ ବିନା ପୁରୁଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ବି ସମାଜ ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବଟ୍ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆମେ ଭାବୁ କେବଳ ପୁରୁଷ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପୁରୁଷ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ କ୍ଷମତା ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଦେଶ ପାଇଁ କି ନିଜ ପାଇଁ ବା ସବୁକିଛି କରିପାରିବ। ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ୍। ଗୋଟେ ମହିଳା ପାଖରେ ବି ସେତିକି କ୍ୱାଲିଟି ଥାଏ ବା ସେତିକି କ୍ୱାଲିଟି ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ କ'ଣ କରିପାରୁଛି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁଛି। ତମେ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ଆସୁନି, ଖେଳରେ ହେଉ, ରାଜନୀତିରେ ହେଉ, କୁସ୍ତି କସରତରେ ହେଉ, ଦେଶ ଶାସନ କରିବାରେ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖୁଥିବା ରେଜଲ୍ଟ ବି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭଲ ମହିଳାମାନେ ହିଁ କରୁଥିବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷଟାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛେ ନା ଏଠି ଲିଙ୍ଗଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କରୁଛେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମ ସମାଜରେ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ନାରୀକୁ ଯେଉଁ ଅବଳା କି ଦୁର୍ବଳ ଭାବିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଡେଭଲପ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେଉନାହୁଁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ବା ସ୍ଥାନ ଆଜି ସମାଜରେ ନିମ୍ନରେ ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା କେମିତି ବଢ଼ିପାରିବ, ଯଦି ଆମେ ମୌଳିକ ସମାନତା ଦେବା। ମୌଳିକ ସମାନତା କହିଲେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ବା ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ କେସ୍ ଯୋଗୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ହିଁ ଆମ ସମାଜରେ ବୈଷମ୍ୟତା ଦେଖାଦେଉଛି, ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ଦେଖାଦେଉଛି ଏବଂ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ୁଛି।